बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8, थर्ड ईयर फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। द लास्ट टॉपिक इज द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ मोशन। एज डिस्कस अर्लियर, द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैव नो गैप एज कम्पेयर टू रियल गैस। रियल गैसेस हैज गैप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी इनक्लोज द गैस इन टू कंटेनर, रियल गैस इन टू कंटेनर, फ्यू अजम्पशंस आर रॉन्ग विच वी विल डिस्कस इन दिस वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू KMT थ्योरी, सम ऑफ द अजम्पशन ऑफ आइडियल गैस आर नॉट ट्रू फॉर द रियल गैसेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। मॉलिक्यूल्स हैव अ स्मॉल बट नॉन जीरो डायमीटर विच इज़ अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ द आइडियल गैस। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि वो अजम्पशन कौन सी रॉन्ग है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैव अ स्मॉल बट नॉन जीरो डायमीटर विच इज़ अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स के गैस मॉडल क्या बताता है कि वो वेरी स्मॉल होते हैं, उनका ना मॉलिक्यूल्स का साइज और गैप। मोर ओवर द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मे बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ अगेंस्ट अवर अजम्पशन दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेज। ये अभी क्लियर हो गया कि ये वो सारी बात बता दी कि अजम्पशन के अगेंस्ट क्या हो गया पॉइंट। एंड द आइडियल गैस इक्वेशन नीड्स मॉडिफिकेशन टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ये बताने के लिए। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल में आप देख लें जी, इस साइड पर डायग्राम देखें तो लिया हुआ है जी, मॉलिक्यूल्स दो नज़र आ रहे हैं। एक को उन्होंने जो है ना साइज़ इसका डायमीटर डी लिया हुआ, हेमिस्फीयर ले लिया है दूसरे मॉलिक्यूल से। पहले मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो आप देखें तो डी डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया जी। और इसका अपना जो सेंटर से डिस्टेंस है हेमिस्फीयर का वो भी डी हो गया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू मॉलिक्यूल कैन नॉट बी लेस देन डी, ये हमने इसको कंसीडर करना है। तो ऊपर थे हम, हाँ जी। अच्छा, अब वो जो प्रेशर हो जाएगा ना डिक्रीज वो हो जाएगा NB, ले लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और NB, V-NB हो जाएगा। तो जो गैस इक्वेशन है आपके पास PV=nRT ये वाली, इसमें वॉल्यूम माइनस जितना वो साइज डिक्रीज हुआ है गैस प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल, जो रियल गैस है उसमें जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है उसमें पुट करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे। दिस शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ रियल गैस इन इज इंक्रीज, प्रेशर ऑफ रियल गैस इंक्रीज ड्यू टू स्मॉलर वॉल्यूम, द मॉलिक्यूल हैव मोर कूलेंट एंड दस प्रेशर इज इंक्रीज्ड, उसको कंटेन करेंगे। एक इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स वी टेक द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल टू द डायमीटर ऑफ डी मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अबाउट टू कोलाइड। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि हमने जो कंटेनर गैस का कंटेनर लिया हुआ है उसमें वो मॉलिक्यूल वॉल पे भी स्ट्राइक कर रहा है और दो मॉलिक्यूलों के दरमियान भी इंटरेक्शन है, तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल वॉल पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल भी उसके दरमियान इंटरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या है जी, यहाँ से सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, द डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे हो जाएगा जी, ये वाला, ये जो वैल्यू बनेगी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो पहले फार्मूला बन चुका था NRT/V-NB-A, ये कांस्टेंट है इसका, N/V पर स्केयर वाला ये बन जाएगा। तो ये फाइनल फार्मूले को हमने इस फार्मेट में लिख लेना है। तो ये होगी आपका वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ मोशन, जो KMT थ्योरी के अजम्पशन के अगेंस्ट थी, तो उसको हमने इसमें डिस्कस कर लिया है।